दोस्तों इस वीडियो में आज जानकारी देंगे वाराणसी से लखनऊ रेल लाइन के बारे में और साथ ही वाराणसी से लखनऊ जो चार रूट है तो अलग अलग एक एक रूट के बारे में बताएंगे और साथ ही वाराणसी के पास जो बाईपास है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में आता है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थन रेलवे, जिसका डिवीज़न है लखनऊ चारबाग। और वैसे वाराणसी भी डिवीज़न है, कुछ रूट को वाराणसी भी ऑपरेट करता है, बाकी जो है लखनऊ चारबाग जो इसका डिवीज़न है वो भी ऑपरेट करता है। जैसे काशी वाला रूट जो हो गया, काशी होके जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे लाइन आ रहा है उस लाइन को ऑपरेट लखनऊ चारबाग करता है। और ये शिवपुर की तरफ जो जा रहा है, जो जाफराबाद की तरफ जो रेल लाइन जा रहा है, इसको भी लखनऊ चारबाग ऑपरेट करता है। ये लोहता तरफ जो रोड जा रहा है इसको भी NR लखनऊ डिवीज़न ऑपरेट करता है। लेकिन ये मलवा डी की तरफ जो रेलवे लाइन जा रहा है इसको वाराणसी ऑपरेट करता है। और ये वाराणसी सिटी की तरफ जो रेलवे लाइन जा रहा है, यहाँ तक कि ये छपरा स्टेशन जो है वहाँ तक वाराणसी ऑपरेट करता है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर जो रूट आ रहा है पहले वह जान लेते हैं, उसके बाद फिर आपको लखनऊ की तरफ लेके चलेंगे। ये वाराणसी जंक्शन है, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। वाराणसी से जो ये पीछे जा रहा है जो वाराणसी सिटी है, यानी ये वाला लाइन जो है, और ये ऐसे गोल घूम के जो इधर जा रहा है तो छोटा करते हैं, सरनाथ की तरफ यह रेलवे लाइन जा रहा है औड़ीहार की तरफ। औड़ीहार होते हुए छपरा भी जा सकते हैं, औड़ीहार होते हुए मऊ होते भटनी गोरखपुर भी जा सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा रेलवे लाइन। और ये रेलवे लाइन जो है वाराणसी से औड़ीहार के बीच में है, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है और आगे जो है डबलिंग का काम चल रहा है और इलेक्ट्रीफाइड है गाजीपुर वाला रूट। और वाराणसी से जो ये रेलवे लाइन जो इस तरह गोल घुमा हुआ देख रहे हैं काशी की तरफ, ये रेलवे लाइन जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ और ये रेलवे लाइन जो है डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वाराणसी से जो ये मढ़ुआ डी की तरफ जा रहा रेलवे लाइन, ये जा रहा है झूसी होते हुए प्रयागराज, प्रयागराज यानी जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था वहाँ जा रहा है। और ये रेलवे लाइन जो है कुछ दूर तक डबल लाइन है, आगे जो है डबलिंग का काम चल रहा है और इलेक्ट्रीफाइड है ये रूट। और वाराणसी से जो ये रेलवे लाइन इधर निकल रहा है तो छोटा करते हैं, शिवपुर की तरफ ये रेलवे लाइन जो है जाफराबाद की तरफ जा रहा है, आगे जाफराबाद से जो है रेलवे लाइन लखनऊ की तरफ जा रहा है। तो चलिए आज आपको भदोही वाला रेलवे रूट लेके चलते हैं, भदोही जंघाई वाला। तो ये वाराणसी से, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर बाईपास है ये मढ़ुआ डी के लिए बनाया गया है बाईपास, क्योंकि वाराणसी से कोई भी ट्रेन चलती है लखनऊ की तरफ जाने वाली तो वाराणसी पर लोड पड़ता है। अगर उसको वाराणसी सिटी से भी चलाया जाए तो फिर तो वाराणसी आएगी तो यहाँ पर थोड़ा लोड स्टेशन का बढ़ेगा, इसलिए मढ़ुआडी को टर्मिनल टाइप का बनाया गया है और यहाँ से बहुत सारी ट्रेन चलती है बन करके। और ये बाईपास जो है इसीलिए है कि मढ़ुआडी से कोई भी ट्रेन अगर चलेगी तो लखनऊ की तरफ इसी वाले बाईपास से भदोही होते हुए निकल जाएगी। चलिए अब आपको ले कर चलते हैं भदोही की तरफ। तो वाराणसी से जो ये रेलवे लाइन है लोहता वाला, तो ये डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है और ये कुछ दूर तक जो है डबल लाइन है, आगे डबलिंग किया जा रहा है, ये भदोही है। और ये रेलवे लाइन जो है जंघाई तक, जंघाई जंक्शन है, यहाँ तक जो है डबल लाइन हो चुका है, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड। और यहाँ से जो ये रेलवे रूट निकल रहा है ये जा रहा है जाफराबाद, लेके चलते हैं आपको जाफराबाद तब आपको समझ में आएगा। इधर से गोदान एक्सप्रेस निकलती है, ये जाफराबाद जा रहा है रेलवे लाइन और ये सिंगल लाइन है, इस पर इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। जंघाई से जो ये रेलवे लाइन इधर जा रहा है, जो बढ़िया राम लिखा हुआ है, ये रेलवे लाइन जा रहा है फाफा मऊ प्रयागराज यानी इलाहाबाद की तरफ ये रेलवे लाइन जा रहा है। तो जंघाई से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये रेलवे लाइन जो है इसको डबलिंग किया जा रहा है और ये जो है यहाँ पर एक रेलवे लाइन आ रहा है, ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है जंक्शन है और ये फाफा मऊ से रेलवे लाइन आ रहा है, जो जो लखनऊ से कोई भी ट्रेन
जो प्रयागराज की तरफ जाती है, तो इसी वाले रूट से जाती है, प्रतापगढ़ होते फाफामऊ होते हुए प्रयाग होते हुए प्रयागराज जंक्शन। तो ये यहाँ तक आ गए। प्रतापगढ़ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जंक्शन है, चिलबलिया जंक्शन है, पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो ये रेलवे लाइन जो है, तो छोटा करते हैं, ये सुल्तानपुर जंक्शन को जोड़ता है, सुल्तानपुर जंक्शन को जोड़ता है। इधर सुल्तानपुर से आगे जो है ये फैज़ाबाद की तरफ रेलवे लाइन जा रहा है, दिखा देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। फैज़ाबाद को जोड़ेगा और सुल्तानपुर से जो ये इधर इधर रेलवे लाइन जा रहा है पखीरौली की तरफ, ये जा रहा है वाराणसी की तरफ, और इधर जो जा रहा है शिवनगर की तरफ, ये जा रहा है लखनऊ की तरफ। और ये यहाँ से ये नया कंस्ट्रक्शन है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये चिलबलिया जंक्शन से आगे जैसे ही बढ़ेंगे अमेठी है, अमेठी से जो है नया रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन होगा जो सुल्तानपुर को अमेठी से जोड़ेगा। और अमेठी के आगे जो है ये भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस पर बाद में बात करेंगे, पहले लेके चलते। तो यहाँ पर जो है अमेठी से गौरीगंज तक जो है डबल लाइन हो चुका है, बाकी जो है इधर डबलिंग का काम चल रहा है। और ये रूट पूरी तरीका इलेक्ट्रिफाइड है, गौरीगंज से आगे जो है डबलिंग का काम चल रहा है। अब यहाँ पर जो है रायबरेली जंक्शन है, यहाँ से रेलवे लाइन जो निकला है आगे जो है दरियापुर जंक्शन है, एक रेलवे लाइन उंचाहार चला गया है और एक चला गया है दालमऊ चला गया है। ये रेलवे लाइन जो है दालमऊ चला गया है और ये चला गया है उंचाहार, क्योंकि फाफामऊ से जो रेलवे लाइन आ रहा है, फाफामऊ के पास जो है उंचनहार होते हुए उन्नाव रेलवे लाइन जाता है, तो ये वहाँ चला गया है। रायबरेली से जो है नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन बनेगा, तो ये रेलवे लाइन देख लेते हैं कहाँ जा रहा है। ये अकबरगंज यानी सुल्तानपुर से जो आगे अकबरगंज है, अकबरगंज को जोड़ेगा, और अकबरगंज से ये रेलवे लाइन सीधे फैज़ाबाद में जुड़ जाएगा। यानी अगर कोई ट्रेन जो है अब ये रूट बन जाएगा तो फैज़ाबाद अकबरगंज होते हुए रायबरेली भी आ सकते हैं। तो रायबरेली से आगे जो है ये लखनऊ में तो वापस से वाराणसी जंक्शन चले आए। अब यहाँ से जो है जफराबाद रूट होकर के आपको लखनऊ लेकर के चलेंगे। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये शिवपुर होते हुए जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो छोटा कर लेते हैं तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर जफराबाद जंक्शन है, जफराबाद से तो अभी दिखाए थे जो रेलवे लाइन जंघाई को जोड़ता है, जंघाई जंक्शन को दिखा देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। जंघाई रेलवे स्टेशन है। अब वापस से चलते हैं जाफराबाद की तरफ, तो छोटा कर लेते हैं। जाफराबाद जंक्शन से जो है यहीं से निकलता है फैज़ाबाद अयोध्या वाला रेलवे लाइन। तो ये रेलवे लाइन जो आगे जा रहा है जौनपुर, यही जौनपुर होते हुए रेलवे लाइन चला जाएगा आपको शाहगंज, शाहगंज के बाद अयोध्या होते हुए फैज़ाबाद चला जाएगा, अकबरपुर, ये सब जंक्शन मिलेगा। और यही रेलवे लाइन जो है अयोध्या होते हुए अयोध्या फैज़ाबाद, फैज़ाबाद से फिर ये बाराबंकी में निकल जाएगा। बाराबंकी में जो है जो गोरखपुर से रेलवे लाइन आ रहा है गोंडा होते हुए, उस रेलवे लाइन में यह मिल जाएगा। तो छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो ये बाराबंकी में जो है मिल जाएगा। बाराबंकी में जो ये रेलवे लाइन आ रहा है, ये पीछे की ओर से जो इधर देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन आ रहा है गोंडा की तरफ से, गोंडा गोरखपुर की तरफ से, और आगे जो है मल्हौर होते हुए लखनऊ चले जाएंगे। अगर लखनऊ का प्रॉपरली वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाएँ और वो वाला वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों अब वाराणसी से जो है सुल्तानपुर होकर के लखनऊ जाएंगे। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वाराणसी से जो है शिवपुर होते हुए, अभी तो गए थे फैज़ाबाद होकर के, तो ये जफराबाद से जो ये रूट पकड़े थे तो ये चला गया फैज़ाबाद। तो यानी जौनपुर होते हुए ये फैज़ाबाद, अयोध्या फैज़ाबाद होते लखनऊ चला जाएगा।
तो अब जो है जफराबाद से जो ये रेलवे लाइन इधर घूम रहा है, जौनपुर कचहरी जो है, तो ये रेलवे जौनपुर सिटी, यही रेलवे लाइन सुल्तानपुर की तरफ जा रहा है, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ की तरफ जा रहा है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये रेलवे लाइन पूरी तरीका डबल लाइन है, ये सुल्तानपुर जंक्शन है, और अभी तो ये बताए थे यहाँ से जो दोनों रेलवे लाइन निकल रहा है इधर फैजाबाद को जोड़ेगा, यही सुल्तानपुर जंक्शन होते हुए इस ये रूट जो है वाराणसी से लखनऊ, यही रूट पे जो है राजधानी चलती है डिब्रूगढ़ वाली। तो छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। वही अकबरगंज वाला जो रेलवे लाइन बन रहा है रायबरेली से, और आगे जा करके उतरिया जंक्शन में मिल जाता है और आगे लखनऊ की ओर चला जाता है। अगर लखनऊ वाला वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे आए। ये रूट भी हो गया, वापस से चलते हैं वाराणसी की तरफ। दोस्तों वाराणसी से लखनऊ, अब वाराणसी सिटी हो गए जाएंगे, वाराणसी सिटी आएंगे, वाराणसी सिटी के बाद जो है सरनाथ होते हुए या रेलवे लाइन जो है निकलेगा औणिहार, औणिहार से जो है इधर छपरा वाला रेलवे लाइन जा रहा है, उधर नहीं जाना है, हम लोग मऊ की तरफ चलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये हम लोग आ गए मऊ, मऊ से जो है इंदारा जंक्शन होते हुए, मऊ के बाद इंदारा आ गए, इंदारा से हम लोग जो है भटनी की तरफ बढ़ेंगे, तब हम लोग लखनऊ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सलेमपुर होते ये भटनी आ गए, भटनी में जो सिवान छपरा सिवान गोरखपुर वाला जो रेल लाइन है उसमें मिल जाता है। यहाँ पर ये इस तरह ट्रेन का डायरेक्शन बनेगा, और भटनी से जो है हम लोग, अगर सिवान वाला वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे जाएं तो देखे, तब आपको समझ में आ जाएगा छपरा सिवान वाला रूट, सरदार नगर कुसमी ये गोरखपुर, गोरखपुर से जो रेलवे लाइन निकला है ये सब हमारे चैनल पर दिया हुआ है, आप जाके देख लें। डोमिनगढ़ जगत बेला सहजनवा मगहर खलीलाबाद ये सब रूट होकर के भी ट्रेन जाती है, जैसे कृषक एक्सप्रेस अभी तो लॉकडाउन के कारण बंद है, लेकिन ये ट्रेन जो है चलती है मनकापुर जंक्शन, ये डबल लाइन है पूरा गोंडा, ये सलेक्शन जो है इस होकर के भी आप जा सकते हैं। चौका घाट बुढ़वाली सीतापुर वाला रेलवे लाइन यहीं से निकल रहा है, बाराबंकी जो फैजाबाद अयोध्या वाला रेलवे लाइन है वो यहाँ आकर के मिलता है, आगे मल्हौर, मल्हौर से लखनऊ। अगर लखनऊ वाला रूट का देखना है तो वीडियो दिया हुआ जाके देख ले। दोस्तों वीडियो समझ में आ गया होगा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर।